वेदों में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम्। पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। दुआ है कि खुदा ताला ये भारत जो महान था, महान है और महान रहेगा, उसकी महानता हमेशा बरकरार रखे। अनेकता में ही एकता, ये हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। जय हिंद। आज जबलपुर के संस्कार धानी में दाऊदी बोहरा समाज ने ईद का जश्न मनाया। दाऊदी बोहरा समाज ने आज ईद का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। आपको बता दें, सुबह 6 बजे ईद की नमाज अदा की गई। बोहरा समाज वरिष्ठ नागरिक सैफुद्दीन सैफी ने बताया कि मिस्र कैलेंडर के हिसाब से आज 2 मई को हमारा 30 रोजा हो गया, जिसमे सभी समाज के लोगों ने मिलकर पहले मस्जिद में सुबह नमाज पढ़ी। इसके बाद 9 बजे ईद मिलन का समारोह किया गया। इसमें विधायक विनय सक्सेना एवं पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और सभी समाज के लोग शामिल होकर एक दूसरे से मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। एवं जबलपुर संस्कार धानी में सालों से जैसा भाईचारा बना है, वैसा बना रहने की दुआएं मांगी। वहीं पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था तारीफ के लायक रही। वहीं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ से बात करते हुए बोहरा समाज वरिष्ठ नागरिक सैफुद्दीन सैफी ने देखिए क्या कहा। खबरदार न्यूज की तरफ से आप सभी भाइयों को ईद के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज ईद का शुभ दिन है, ईद उल फितर है। आज इस बोहरा समाज के साथ जबलपुर के दिग्गज हस्तियों हमारे साथ हमारे खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। इस जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं, जहाँ पे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि सब जितने भी धर्म हो, जितने भी मज़हब हो, बैसाखी हो या दिवाली हो, ईद हो या होली हो, उसे साथ मिल के मनाएँ। तो आज हम सब मिल के इस संस्कार धानी में जबलपुर में ईद का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। मेरी ओर से बोहरा समाज की तरफ से सभी नगरवासियों को जबलपुर के ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और जबलपुर के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज का दिन ईद उल फितर का दिन मुबारक और मोहन ना हो। दुआ है कि खुदा ताला ये भारत जो महान था, महान है और महान रहेगा, उसकी महानता हमेशा बरकरार रखे। अनेकता में ही एकता, ये हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। जय हिंद। 14 सर लगता है कि जन्नत यहीं पर उतर आई है। आज के जिल्सत की पवित्रता का को देखकर, खुशी के इस माहौल में आपसी भाईचारा देखकर, वही अल्फाज दोहराते हुए मैं फिर कहता हूँ, आज ऐसा लगता है कि जन्नत यहीं पर उतर आई है। वेदों में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम्। पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पैगंबर साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ने भी कहा है, पूरा खल्क इस कायनात के सभी मखलूकात खुदा का, ईश्वर का एक बड़ा परिवार है।